महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे बाहुबली ब्रजभूषण सिंह आज कैसरगंज में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की रैली शुरू हो चुकी है और रैली में कई बीजेपी नेता भी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में ब्रजभूषण सिंह अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। रैली से पहले ब्रजभूषण ने अपने गाँव में रोड शो निकाला और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। सरकार ने पहलवानों को भरोसा दिया है कि 15 जून तक ब्रजभूषण के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह इस शक्ति प्रदर्शन से केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण सिंह और उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। और जिस वक्त अपने काफिले के साथ वो निकले, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे। गोंडा के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह। लेकिन सिर्फ गोंडा ही नहीं, गोंडा के आसपास के एक बड़े इलाके में ब्रजभूषण की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, जिसमें बस्ती भी है, इसके अलावा पास में बलरामपुर भी है। ये तमाम जो इलाके हैं वो गोंडा के आसपास के क्षेत्र हैं। अब रैली स्थल पर पहुंचने से पहले ब्रजभूषण ने रोड शो किया जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक जुटे। जिस वक्त रोड शो निकला था उस वक्त इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार भी मौजूद थी। उस वक्त क्या माहौल था, इस रिपोर्ट के साथ देखिए। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज अपने संसदीय इलाके में सड़कों पर है। करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करके ब्रजभूषण शरण सिंह यहां पहुंचे हैं, जहां उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरी गाड़ी जो है फूलों की मालाओं से फटी हुई है। वैसे बीजेपी केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम कर रही है। जगह जगह रैलीज हो रही है, कार्यक्रम हो रही है और कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, तो यहाँ कार्यक्रम पूरा ब्रजभूषण शरण सिंह आयोजित कर रहे हैं। यहाँ कर्नलगंज में कार्यक्रम है जो कैसरगंज संसदीय इलाके में रहते हैं। यहाँ जो उनके समर्थक है वो नारे लगा रहे हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का समर्थक एक तरह से ये रैली तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो रही है, लेकिन इसे माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ अपने इलाके में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग नारा लगा रहे हैं कि संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, इस चीज में साथ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय सांसद जी के साथ हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ हैं। अभी क्या है कि पहलवान जो है, महिला पहलवान गंभीर आरोप लगा रही है, वो गलत लगा रहे हैं। महिला पहलवान यही पली है, यही पड़ी है। ये माना जा रहा है कि ये रैली तो हो रही है सरकार के, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पे नहीं। शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। ये माननीय सांसद जी के प्रति जो क्षेत्र में लगाव है लोकसभा में, उसके लिए कई लोकसभाओं के लोग प्यार और स्नेह के लिए आए हैं, वो हमेशा सांसद जी का प्यार मोहब्बत पूरा जनता उनके साथ है। इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि पहलवानों के आरोप गलत हैं और यहाँ जबरदस्त समर्थक है। ऐसा यहाँ उनके समर्थकों का दावा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके के बड़े नेता हैं, वो यहाँ से 6 बार गोंडा से सांसद रह चुके हैं, तो लिहाजा उनकी ताकत बहुत है और उसी ताकत को दिखाने आज ब्रजभूषण शरण सिंह लगता है कि सड़कों पर उतरे हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं गोंडा का, जहां से हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, जो मंच इस वक्त आपके पीछे नजर आ रहा है, आखिरकार उसमें कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के साथ? हमारे अपने प्रधानमंत्री आवास, देखिए सबसे बड़ा चेहरा तो यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह का ही है, जो 6 बार के सांसद हैं और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जो मंच पर नजर आ रहे हैं। इस इलाके में 5 विधानसभा आती है जिनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वो विधायक यहाँ मंच पर है। लेकिन आप पीछे देखेंगे मंच पर तो ब्रजभूषण शरण सिंह हाथ में माइक लिए हुए हैं, हालांकि एक तरफ से मंच से लगातार भाषण हो रहे हैं, लेकिन उन भाषणों के बीच में जो पूरी कमान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ में है। वो बीच बीच से अपने माइक से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसी को स्वागत कर रहे हैं,
तो पूरा एक तरह से आपका ये जो यहाँ पर मंच है उसके जो आप कहेंगे कि जो नेता हैं वो बृजभूषण शरण सिंह ही नजर आ रहे हैं। जब बृजभूषण शरण सिंह यहाँ मंच पर पहुंचे थे तो टाइगर बृजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद के यहाँ नारे लग रहे थे। जो उनका घर है यहाँ पर, वहाँ से ये दूरी यहाँ जहाँ सभा हो रही है करीब 60 किलोमीटर दूर है और 9 बजे वो अपने घर से निकले थे। करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरे रास्ते उन्होंने रोड शो किया है, उनके समर्थक पूरे रास्ते थे। बिल्कुल रुचि, समर्थकों से आपने बात की, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि जो पूरा काफिला निकला था, तो समझ लीजिए कि बहराइच से लेके गोंडा, गोंडा से लेके बस्ती, जो पूरा बड़ा सा एक इलाका है, पूरे इलाके में दबदबा है बृजभूषण सिंह का, जिसका जिक्र भी अपने रिपोर्ट में कर रही थी रुचि कुमार से हम लगातार अपडेट भी लेंगे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए बृजभूषण शरण सिंह पर तंज कसा है। सिब्बल ने लिखा है कि पुलिस ने रेसलर से बसलूकी के सबूत मांगे हैं, अब पीड़ित हर समय कैमरा लेकर तैयार रहे, पीड़ित ऐसे शख्स को साथ रखे जो सभी चीजों को रिकॉर्ड करे। तो ये ट्वीट किया है कपिल सिब्बल ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब पुलिस सबूत मांग रही है बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जो छेड़छाड़ का मामला है। और कपिल सिब्बल का कहना है कि क्या अब जो रेसलर्स हैं या जो पीड़िताएं हैं अपने साथ क्या कैमरा रखकर घूमे। बृजभूषण सिंह पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। बृजभूषण को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को अपना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा याद रखना चाहिए, पहलवान बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा याद रखना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी को दोबारा इस नारे के बारे में सोचना चाहिए। और जब पहलवान बेटी न्याय मांग रही हैं, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है उन्हें न्याय देने की। अब बृजभूषण सिंह कैशोरगंज में ताल ठोक रहे हैं। उधर पहलवानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार की तरफ से 15 जून तक बृजभूषण के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। पहलवानों से साफ कह दिया गया है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पहलवानों का मानना है कि बृजभूषण बाहर रहे तो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। वहीं सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाने का भरोसा दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहलवान 16 या फिर 17 जून को एक बार फिर से दिल्ली में सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और कल ही सोनीपत में जो सर्वखाप पंचायत हुई थी उसमें पहलवानों ने इस बात का ऐलान किया था या समर्थन किया था कि इस बार अगर दिल्ली में आंदोलन हुआ तो सिर्फ पहलवान ही नहीं आएंगे बल्कि खाप पंचायत भी सड़कों पर होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।